राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी का क्या महत्व है, और साथ ही एक और बात जानेंगे कि यदि आप में से किसी ने भी कार्तिक महीने में माता तुलसी को दीप दान नहीं किया है, कार्तिक के महीने में रोज तुलसी माता को दिया नहीं जलाया किसी कारणवश, तो उनको कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तुलसी का पौधा हमेशा से आस्था का केंद्र रहा है। तीज त्योहार हो या पूजा पाठ, हर काम में इस पवित्र पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषकर कार्तिक महीने में तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। कार्तिक माह में भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गौ दान के बराबर माना गया है। तुलसी नामाष्टक का पाठ करने और सुनने से इसका लाभ 2 गुना हो जाता है। जिन दंपतियों को संतान का सुख न मिला हो, उन्हें भी तुलसी पूजा करनी चाहिए। वैसे तो पूरे कार्तिक महीने में ही तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए, लेकिन अगर आपने किसी कारणवश दीपक नहीं जलाया है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे 31 दीपक जलाकर अपने घर और गृहस्थी के लिए सौभाग्य की कामना अवश्य करें। आइए जानते हैं तुलसी आराधना से लाभ क्या होता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, और केवल तुलसी दल अर्पित करके श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी जी की बात भगवान विष्णु कभी नहीं टालते हैं, इसलिए अगर तुलसी माता प्रसन्न हो जाए तो सब तकलीफें दूर हो जाती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। एक साल में 15 पूर्णिमा आती है, अधिक मास या मल मास में ये संख्या 16 हो जाती है, लेकिन इन सभी में कार्तिक की पूर्णिमा सबसे उत्तम संयोग लेकर आती है। आइए जानते हैं कि तुलसी पूजा से क्या कल्याण होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की पत्तियों को कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वक्त तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। व्यर्थ में तुलसी की पत्ती तोड़ने से दोष लगता है। शाम के वक्त तुलसी के पास दिया जलाने से लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा है तो आपके घर के सारे वास्तु दोष मिट जाएंगे। घर में हमेशा धन लाभ के शुभ संकेत बने रहेंगे। तुलसी का पौधा परिवार को बुरी नजर से बचाता है। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश करता है। सूखा तुलसी का पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है। पौधा सूख गया है तो उसे किसी पवित्र नदी, तालाब या किसी कुएं में प्रवाहित कर दें। सूखा पौधा हटाने के तुरंत बाद नए तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तो दोस्तों, ये थी तुलसी के पौधे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारे आगे आने वाले सभी इसी प्रकार की जानकारी के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हमारे वीडियो आसानी से देख पाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।